आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। स्वास्थ्य निर्वाचन आयोग की आज बैठक होगी। बड़ी खबर सामने आ रही है, आज भारत निर्वाचन आयोग की बैठक होगी। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ होगी बैठक। मंत्रालय के वरिष्ठ अफसरों की बुलाई गई बैठक। कोविड 19 की मौजूदा स्थिति पर होगी चर्चा। दिल्ली में आज से लगेगा नाइट कर्फ्यू। आज से अगले आदेश तक रात में नाइट कर्फ्यू। आज भारत निर्वाचन आयोग की होगी बैठक। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ होगी बैठक। मंत्रालय के वरिष्ठ अफसरों की बुलाई गई बैठक। कोविड 19 की मौजूदा स्थिति पर होगी चर्चा। दिल्ली में आज से लगेगा नाइट कर्फ्यू। आज से अगले आदेश तक रात में नाइट कर्फ्यू लगेगा। आज भारत निर्वाचन आयोग की होगी बैठक। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ होगी बैठक। मंत्रालय के वरिष्ठ अफसरों की बुलाई गई बैठक। कोविड 19 की मौजूदा स्थिति पर होगी चर्चा। दिल्ली में आज से लगेगा नाइट कर्फ्यू। बड़ी खबर सामने आ रही है, आज से अगले आदेश तक रात में कर्फ्यू रहेगा। आज भारत निर्वाचन आयोग की बैठक होगी। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ बैठक होगी। कोरोना पर चर्चा होगी। मंत्रालय के वरिष्ठ अफसरों की बैठक बुलाई गई है। कोविड 19 की मौजूदा स्थिति पर होगी चर्चा। दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू लगेगा। अगले आदेश तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। स्वास्थ्य परिवार कल्याण की बैठक बुलाई गई है। मंत्रालय के वरिष्ठ अफसरों की बुलाई गई है बैठक। कोविड 19 की मौजूदा स्थिति पर चर्चा होगी। साथ ही दिल्ली में नाइट कर्फ्यू भी लगेगा। आज से अगले आदेश तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस खबर में हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में सख्ती बढ़ रही है, नाइट कर्फ्यू की ओर बढ़ रहा है देश, क्या कहेंगे इस पे? कोविड 19 के चलते कितना जरूरी है? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जो भारत निर्वाचन आयोग ने बैठक बुलाई है, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ बैठक होगी। मंत्रालय के वरिष्ठ अफसरों की बुलाई गई है बैठक। कोविड 19 की मौजूदा स्थिति पर होगी चर्चा। दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू लगेगा। लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सरकारें सख्त नजर आ रही हैं, नाइट कर्फ्यू की तरफ बढ़ रहे हैं राज्य। दिल्ली ने भी अब फैसला ले लिया है कि आज से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में सख्ती जारी कर दी गई थी, नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया जा चुका है और अब दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। वहीं ओमिक्रॉन यानी कि कोरोना के नए वेरियंट का खतरा देखते हुए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। भीड़ भाड़ ना जमा हो इसलिए ये ऐलान किया गया है। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, धीरे धीरे देश नाइट कर्फ्यू की तरफ बढ़ रहा है, सख्ती की तरफ बढ़ रहा है। एमपी, उत्तर प्रदेश के बाद अब दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, क्या कहेंगे? जी, आपको शिखा बता दें कि अब दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। और दिल्ली में अगर देखा जाए कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन, तो ओमिक्रॉन का सबसे ज्यादा खतरा अगर देखा जाए मुंबई के बाद, तो वो दिल्ली में है। इसी को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको आपको बताना चाहेंगे कि नए साल पे खास तौर से आस पास के जो राज्य है वो दिल्ली में आके और नए साल को मनाते हैं, तो इसी सबसे बचाव को लेकर दिल्ली के अंदर में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है कि जिससे खास तौर पे रात की जो पार्टियां होती हैं उस पर रोकथाम लगे और कोरोना ओमिक्रॉन उसके नए वेरियंट ओमिक्रॉन पे रोकथाम हो सके। जी, कोविड 19 को देखते हुए आज बैठक भी बुलाई गई है स्वास्थ्य परिवार कल्याण की, क्या कहेंगे, किन मुद्दों पे चर्चा हो सकती है? जी, आज स्वास्थ्य विभाग और चुनाव आयोग की एक मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें साफ तौर पे जो चुनाव आयोग है और हेल्थ मिनिस्ट्री की एक सेक्रेटरी की विधानसभा चुनाव और कोरोना की हालत को देखते हुए एक मीटिंग रखी गई है, जिसमें साफ तौर पे विधानसभा चुनाव पे बात होगी और कैसे इसके रोकथाम होंगे
इन सब तमाम मुद्दों पे बात होगी और ये काफी उनके लिए चुनौतीपूर्ण होगा कि कैसे विधानसभा चुनाव को वो टाल के आगे ले जाएं, क्योंकि अगर वो समय सीमा पूरी हो गई तो राज्यपाल शासन भी लगाने पड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अगली खबर पे बने रहिए, मैं जानकारी देते रहिए विभाग शो। आज भारत निर्वाचन आयोग की बैठक बुलाई गई, लखनऊ में दिखा तेंदुए का आतंक, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के अंदर घुसा तेंदुआ, गर्ल्स हॉस्टल की मेस में पहुंचा तेंदुआ, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम, छात्र छात्राओं में फैला खौफ, लखनऊ में दिखा तेंदुए का आतंक, बड़ी खबर सामने आ रही है, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के अंदर घुसा तेंदुआ, गर्ल्स हॉस्टल की मेस में पहुंचा तेंदुआ, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम, छात्र छात्राओं में फैला खौफ। इस खबर पे मैं ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़े हुए हैं। विभांशु, जिस तरह से तेंदुए का आतंक देखा जा रहा है, दो दिन होगा लेकिन तेंदुए का अभी तक पकड़ा नहीं गया है, रेस्क्यू नहीं किया गया है, क्या कहेंगे इस पे? विगत दो दिनों से तेंदुआ गुडम्बा क्षेत्र में दिखता है और गुडम्बा से वो जानकीपुर के तरफ थाना क्षेत्र बदल देता है और वो थाना क्षेत्र तीसरे थाना क्षेत्र को बदल के अभी वो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी पहुंच चुका है, जहां खास तौर पे अगर देखा जाए तो पढ़ने लिखने वाले बच्चों का जमावड़ा होता है और ये काफी पॉपुलेटेड एरिया है, तो इसमें कह सकते हैं कि ये खतरे की घंटी है प्रशासन के लिए। और इसमें अगर देखा जाए तो गैर जिम्मेदाराना जो दिख रहा है काम जिनका, वो साफ तौर पे वन विभाग है जो अब तक तेंदुए को रेस्क्यू करके पकड़ नहीं सका है, उसे बेहोशी की इंजेक्शन जो बंदूक के द्वारा दी जाती है वो अब तक नहीं दिया जा सका है, इसका आतंक जारी है और इंटीग्रल में गया है अगर तेंदुआ तो वहाँ खास तौर पे बच्चों का भरमार है, तो ये काफी खतरे का विषय होगा। जी विभांशु, क्या आशंका जताई जा रही है अब किस जगह पे होगा ये तेंदुआ? वो अगर बात की जाए इंटीग्रल इलाके की तो वो काफी खेती वाला इलाका है, खाली इलाका है, तो अब तक वो रियायती इलाकों से निकलकर जानकीपुरम और गुडम्बा जो कि काफी पॉपुलेटेड एरिया है उधर से निकलकर अब वो डेंस पॉपुलेशन एरिया में पहुंच चुका है जो कि इंटीग्रल है, तो ये काफी चुनौती का विषय होगा वन विभाग के लिए रेस्क्यू के दौरान, क्योंकि अब तक दो दिनों से जो कहर फैला रहा है काफी लोगों को भी इसमें चोटिल हो चुके हैं और मीडिया के कुछ पत्रकारों पे भी वो अटैक कर चुका है, तो ये वन विभाग को अब इसको उसको रेस्क्यू करना चाहिए और ये काफी चुनौती का विषय होगा उनके लिए। जी विभांशु, किस किस जगह पे देखा जा चुका है ये तेंदुआ और क्या वजह रही जो वन्य क्षेत्र छोड़ के वो ऐसी जगह पे आया है जहाँ पे इंसान रहते, इंसानी बस्ती में आने का क्या मकसद हो सकता है, आखिर इस तेंदुए को क्या परेशानी हुई वन में? देखिए तेंदुआ ये भटक के कहीं दूर जंगल से लखनऊ पहुंच जाता है और लखनऊ के गुडम्बा क्षेत्र में दिखता है। आज से दो दिन पहले एक वहां हॉस्पिटल पे सीसीटीवी कैमरे में पुष्टि की गई कि तेंदुआ आ चुका है, उसी दौरान दूसरे दिन वो थाना क्षेत्र बदल कर जानकीपुर पहुंच जाता है। जानकीपुरम में कल सुबह में उसकी रेस्क्यू भी लगाई गई और जाल में ले भी लिया गया था, लेकिन जाल फाड़ के तेंदुआ निकल जाता है और आज रात वो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में दिखा था। साफ तौर पे इसमें वन विभाग की नाकामी है कि उसको अब तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका और इसे देखे तो लोगों के लिए खतरे की घंटी है, जो अगर रेस्क्यू नहीं किया गया तो किसी के लिए खतरा बन चुका है, बन सकता है। और तेंदुआ आपको बता दें कि आसपास के जो पालतू कुत्ते हैं उन्हें अपना शिकार बना के अपना भोजन भी कर लिया है, तो इससे कह सकते हैं कि तेंदुआ पूरा अपने उसमें है, अपने फॉर्म में है, उसको पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम को कुछ ऐसा पैसा अपनाना पड़ेगा जिससे लोगों को उस खतरे की घंटी से दूर कर सके। जी बिल्कुल विभांशु, बने रहिए हमारे साथ। आज कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम योगी, लखनऊ, प्रतापगढ़ और सीतापुर के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। साहिबा
साहिबजादा दिवस पर होगा कार्यक्रम। प्रतापगढ़ और सीतापुर की जन विश्वास यात्रा में होंगे सीएम शामिल। कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी। आज कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम योगी। लखनऊ, प्रतापगढ़ और सीतापुर के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। साहिबजादा दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। प्रतापगढ़ और सीतापुर की जन विश्वास यात्रा में होंगे शामिल। कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे सीएम। जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी। और इस खबर पर भी हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े हैं। विभांशु, आज क्या कुछ कार्यक्रम है सीएम योगी के? जी, आपको बता दें कि आज सुबह 11:30 बजे मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से रवाना होंगे और 12 बजे पूर्वा तहसील के लालगंज रामपुर खास प्रतापगढ़ पहुंचेंगे, जहां दोपहर 12 बजे कुछ विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव में महज कुछ दिन बचे हैं, अभी चुनाव टलने पे संशय भी है, तो जो पार्टियां हैं, चाहे वो तत्कालीन सरकार हो या वो सपा की या बसपा की सरकार हो, सभी ने अपनी कमर कस ली है और ताबड़तोड़ रैली शिलान्यास किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में दोपहर 1 बजे प्रतापगढ़ रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि और 2 बजे वो सूर्य कुंड मंदिर लहरपुर सीतापुर पहुंचेंगे और 2 बजे वो विकास पर वहां पे भी कुछ विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे और वहां पे भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के और आगे चल के बीजेपी के जन विश्वास यात्रा में भी शामिल होंगे और 3:05 पे वो सीतापुर से रवाना होंगे। जी बिल्कुल जी। जुड़े रहिए हमारे साथ विभांशु और हमें ऐसे ही अपडेट देते रहिए। तो आज कई कार्यक्रम सीएम योगी के। साहिबजादा दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रतापगढ़ सीतापुर की जन विश्वास यात्रा में भी शामिल होंगे सीएम योगी। बीजेपी की यूपी के ब्राह्मण मतदाताओं पर नजर। ब्राह्मणों को लुभाने के लिए कमेटी का गठन। बीजेपी ने 4 सदस्यीय कमेटी का किया गठन। 4 सदस्यीय कमेटी में 4 बड़े ब्राह्मण नेता शामिल। शिव प्रताप शुक्ला, अभिजात मिश्रा का नाम भी। चारों नेता 403 विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। बीजेपी की यूपी के ब्राह्मण मतदाताओं पर नजर। ब्राह्मणों को लुभाने के लिए कमेटी का गठन। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन हुए गिरफ्तार। जीएसटी इंटेलिजेंस के डीजी ने किया गिरफ्तार पीयूष जैन के घर से अब तक 257 करोड़ रुपए बरामद। पीयूष जैन के घर में मिला तहखाना। आज कानपुर कोर्ट में पीयूष को पेश किया जाएगा। सेंट्रल जीएसटी कोर्ट से पूछताछ के लिए मांगेगी रिमांड। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन हुए गिरफ्तार। जीएसटी इंटेलिजेंस के डीजी ने की गिरफ्तारी। पीयूष जैन के घर से अब तक 257 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं। पीयूष जैन के घर में मिला तहखाना। आज कानपुर कोर्ट में पीयूष को किया जाएगा पेश। सेंट्रल जीएसटी कोर्ट से पूछताछ के लिए मांगेगी रिमांड। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन हुए गिरफ्तार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामला। ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी करेंगे प्रदर्शन। बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करेंगे अभ्यर्थी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती का मामला। ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी करेंगे प्रदर्शन। बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का करेंगे घेराव। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती का मामला है, जिसके चलते ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी करेंगे प्रदर्शन। बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का करेंगे घेराव। फरुखाबाद में धू धू कर जली पैसेंजर ट्रेन। कासगंज फरुखाबाद पैसेंजर ट्रेन में लगी आग।
आग लगने से यात्रियों में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियां। मऊ दरवाजा के गांव हथियापुर का मामला बताया जा रहा। फरुखाबाद में धू धू कर जली पैसेंजर ट्रेन। कासगंज फरुखाबाद पैसेंजर ट्रेन में लगी आग। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता सुंदरम सिंह जुड़ चुके हैं। सुंदरम, किस तरह से लगी ट्रेन में आग? जी, ये कासगंज फरुखाबाद पैसेंजर ट्रेन जो 9:15 जनपद फरुखाबाद पहुंचती है और जब ये अपने गंतव्य पहुंच चुकी थी तो किसी कारण से, अज्ञात कारण से उसमें आग लग गई, जिसका वहां पर अधिकारियों द्वारा, रेलवे अधिकारियों द्वारा पता लगाया जा रहा है। और गनीमत रही कि जब आग लगी तब उस पैसेंजर ट्रेन में कोई यात्री नहीं था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। जी सुंदरम, क्या ऐसी कोई आशंका जताई जा रही है कि किसी की जानबूझ के ये आग लगा दी या फिर किसी शैतानी की वजह से आग लगी? जी, इन सभी कारणों का पता करने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है और जब तक रेलवे अधिकारियों द्वारा कोई आधिकारिक बयान की पुष्टि नहीं हो जा सकती, ये सब बातें कहना मुश्किल है। लेकिन जो एक बड़ा हादसा टला है उसमें वहां पर जो रेलवे अधिकारी के साथ साथ पुलिस विभाग के और स्वयं पुलिस अधीक्षक भी तत्काल मौके पर पहुंचे थे और तत्परता के साथ चार गाड़ियों के द्वारा अग्निशमन की आग बुझाई गई थी। जी सुंदरम, कितने कोच आग की चपेट में आ गए? जी, एक बोगी पूरी वो आग की चपेट में आ गई थी और वो पूरी तरीके से बिल्कुल जलकर राख हो चुकी है और एक तरीके से बहुत ही भीषण आग लगी थी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता सुंदरम जुड़े थे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 28 दिसंबर को होगी कांग्रेस की मैराथन दौड़। इकाना स्टेडियम से होगी दौड़ की शुरुआत। पहले 26 दिसंबर को होनी थी मैराथन दौड़। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 28 दिसंबर को होगी कांग्रेस की मैराथन दौड़। इकाना स्टेडियम से होगी दौड़ की शुरुआत। पहले 26 दिसंबर को होनी थी मैराथन दौड़। एडीआर में रिपोर्ट हुआ बड़ा खुलासा। पहली बार एडीआर ने जारी की रिपोर्ट। मौजूदा 45 विधायकों पर एमपीएमएलए कोर्ट में मामला दर्ज। करीब 6 महीने तक की मिलेगी सजा। सजा होने पर विधायक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। एडीआर में रिपोर्ट हुआ बड़ा खुलासा। पहली बार एडीआर ने जारी की रिपोर्ट। वाराणसी में काशी फिल्म महोत्सव का आयोजन। 27 दिसंबर से शुरू होगा काशी फिल्म महोत्सव। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे शिलान्यास। हेमा मालिनी, अनुपम खेर सहित कई सितारे होंगे शामिल। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन। वाराणसी में काशी फिल्म महोत्सव का आयोजन। 27 दिसंबर से शुरू होगा काशी फिल्म महोत्सव। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे शिलान्यास। हेमा मालिनी, अनुपम खेर सहित कई सितारे रहेंगे मौजूद। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन। कानपुर रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा। बाल बाल बची युवक की जान। ट्रेन पर चढ़ते समय गिरा युवक। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिरा युवक। आरपीएफ उपनिरीक्षक और गार्ड ने बचाई युवक की जान। कानपुर रेलवे स्टेशन पर टला हादसा। बाल बाल बची युवक की जान। ट्रेन पर चढ़ते समय गिरा युवक। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिरा युवक। आरपीएफ उपनिरीक्षक और गार्ड ने बचाई युवक की जान। महोबा में आयोजित होगा योगा और प्राकृतिक चिकित्सा कैंप। योगाचार्य संजय कुमार कैदियों को कराएंगे योगा। 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा योग कैंप। बंदियों को स्वस्थ रहने के लिए दी जा रही जानकारी। महोबा में आयोजित होगा योग और प्राकृतिक चिकित्सा कैंप। योगाचार्य संजय कुमार कैदियों को कराएंगे योग। 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा योग कैंप।
बंदियों को स्वस्थ रहने के लिए दी जा रही जानकारी। महोबा दौरे पर जाएंगे भाजपा सांसद साक्षी महाराज, भाजपा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में होंगे शामिल। कुलपहाड़ कस्बे में आयोजित होगा सम्मेलन, उन्नाव से भाजपा सांसद हैं साक्षी महाराज। महोबा दौरे पर जाएंगे भाजपा सांसद साक्षी महाराज, भाजपा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में होंगे शामिल। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।